What the tech is going on, friends? मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और ये है Xiaomi Mi 10T, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से। और इस स्मार्टफोन को मैं पास्ट 2 वीक्स से यूज़ कर रहा हूँ और YouTube में जाके मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया था ये देख के कि इस फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस YouTube पे अवेलेबल नहीं है। धनंजय सर का एक रिव्यू है और दूसरा टेक्नोलॉब ने रिसेंटली इसका अनबॉक्स किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मुझे कैसे उपलब्धि हुई यहाँ पर। ये एक्चुअली एक बंगाली वर्ड है। तो यस गाइस, इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये एग्जैक्टली मैं एक रिव्यू नहीं बोलूँगा, मैं इसको एक प्रोज और कॉन्स में डिवाइड करने वाला हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ इस फ़ोन के बारे में अच्छी लगी और कौन सी चीज़ उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो सब कुछ बताऊँगा दोस्तों, प्रोज एंड कॉन्स सभी रहेगा। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर पहले से ही कर दिया है देन थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों, मैंने इस फ़ोन में जो चीज़ को एंजॉय किया था वो था इसका डिस्प्ले। अब यहाँ पर ही दोस्तों कॉन्ट्रोवर्सी आ जाती है कि एमोलेड और एलसीडी। बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल है कि एमोलेड हमेशा बेटर होता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस। बट अगर आप एमोलेड ही चाहते हो देन आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट डिसीशन। आपका ओपिनियन है, आपके पैसे हैं, आप डेफिनेटली कुछ भी उम्मीद कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो एलसीडी यूज़ किया गया है वो बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। पोको X2 पोको X3 में वन ऑफ द बेस्ट LCD पैनल्स मिलता है और यहाँ पर दोस्तों इवन फर्दर बेटर हमें पैनल मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर जो कलर्स थे वो बहुत ही पंची थे, बहुत ही विविड थे। कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, वीडियोस देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। इवन दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैक्स थे वो भी काफ़ी डीप ब्लैक थे, ठीक है, तो एमोलेड जैसा नहीं है बट बहुत ही यहाँ पर आपको डीप ब्लैक्स भी यहाँ पर मिलता है। इवन दोस्तों यहाँ पर जो ब्राइटनेस था वो भी बहुत ही अच्छा था। आउटडोर विजिबिलिटी वॉज एक्चुअली रियली ग्रेट। सनलाइट में यूज़ करने में इस फ़ोन को मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है 144Hz का रिफ्रेश रेट और आपको पता है कि हाई रिफ्रेश रेट होने से एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा स्मूथ बन जाता है। स्क्रॉलिंग करने में मज़ा आता है, एक गाने से दूसरे गाने में जाने में मज़ा आता है। दोस्तों दिस फोन इज़ एक्चुअली रियली स्मूथ, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था डिस्प्ले को यूज़ करने में। बट यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बग नोटिस किया था, वो था कि अगर मैं दिन में एक या दो बार इसको अनलॉक करूँ देन फ्रेम ड्रॉप मुझे नज़र आ रहा था। ये कोई एक बग हो सकता है, डेफिनेटली अपडेट के साथ फिक्स किया जा सकता है। दिन में हार्डली एक या दो बार ही मैं इसको नोटिस कर रहा था। ओवरऑल डिस्प्ले इज रियली ग्रेट। सेकेंड चीज़ जो कि एक्चुअली कोई भी इस फोन में एंजॉय करेगा वो है इसका परफॉर्मेंस, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट और मेरे वेरियंट में है 6GB LPDDR5 RAM, साथ में 128GB UFS 3.1 स्टोरेज। एंड एज एक्सपेक्टेड लाइक एनी अदर फ्लैगशिप, यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको बहुत ही सॉलिड मिलता है। ऐप ओपनिंग टाइम्स आर रियली फास्ट, आप इसमें कुछ भी क्यों ना डाल दो, हेवी मल्टीटास्किंग इजीली आप इस फ़ोन में कर सकते हो, एक ऐप से दूसरे ऐप में जा सकते हो, रीलोडिंग होता ही नहीं है। रैम मैनेजमेंट इज़ रियली ग्रेट और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक एनी अदर फ्लैगशिप यहाँ पर भी आपको सेम लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा, बहुत ही दोस्तों स्मूथ रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको MIUI 12 का सॉफ्टवेयर मिलता है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि ऐड है या नहीं, देन डोंट वरी, ये बिल्कुल ऐड फ्री एक स्मार्टफोन है। मैंने यहाँ पर एक भी ऐड नोटिस नहीं किया था। इवन दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल के ही डायलर्स और मैसेजिंग ऐप्स मिल जाते हैं, विच आई एब्सोल्युटली लव, क्लीन होते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस विल बी रियली गुड फॉर यू। थर्ड जो प्रो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसको मैंने एक्चुअली अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो मैं उसको फ्यूचर में एक्सपीरियंस करूँगा। और वो है दोस्तों इस फ़ोन का 5G कैपेबिलिटी। हम सभी को पता है कि मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस कर दिया है कि 2021 के मिडिल में जियो 5G लॉन्च होने वाला है। तो यस, ये फ़ोन फ्यूचर प्रूफ होगा और सिर्फ यही नहीं, कोई भी 865 वाला स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ होगा। तो यस, मैं जब भी यहाँ पर जियो 5G लॉन्च हो जाएगा मैं उस सिम को यहाँ पर डाल के 5G टेस्ट कर पाऊँगा। मे बी 5G के ऊपर मैं वीडियोस भी डालूंगा। बट यस, द पॉइंट इज़ कि अगर आप इस फ़ोन को लेते हो देन आप फ्यूचर प्रूफ रहोगे, 5G रेडी स्मार्टफोन है। नेटवर्क रिसेप्शन इस फोन में बहुत ही अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइक एनी अदर फोन। और यहाँ पर दोस्तों आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी दिया गया है जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसका बैक पैनल वाइब्रेट नहीं होता है पोको X3 जैसा। ओके, तो साउंड एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। बट यस दोस्तों, 3.5mm जैक यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, बट गुड थिंग Xiaomi ने यहाँ पर आपको एक अडैप्टर फ्री में दे दिया है, सो थैंक गॉड आप इसको इजीली इस्तेमाल कर पाओगे।
अब बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में। तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और कैमरा क्वालिटी से मैं एक्चुअली काफ़ी खुश था। अब फुल डिस्क्लेमर, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि ये आईफोन 11 या 12 जैसा पिक्चर क्लिक करेगा, नो दैट्स नॉट द केस। लेकिन अगर आप एक फ़ोन खरीदोगे और सोचोगे कि आप अच्छे पिक्चर्स लेना चाहते हो, देन ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। बहुत ही हद तक ये पोको X3 जैसा मैच करता है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्वालिटी पोको X3 से भी एक्चुअली बेटर लगा था इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज एंड कलर कंसिस्टेंसी। डेफिनेटली 865 में जो ISP है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वो यहाँ पर वो काम कर रहा था। ओवरऑल दोस्तों, जो प्राइमरी कैमरा था और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा था, दोनों के अंदर कलर्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, जो कि मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस फोन से आप 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इज सफिशियंट, उससे रिकॉर्ड करो। बहुत ही अच्छे कलर्स आते हैं, वीडियो क्वालिटी बहुत ही क्रिस्प है। इवन दोस्तों, मैंने इस फोन से सेल्फीज भी लिया था, बहुत ही अच्छी सेल्फीज एक्चुअली ले पाओगे इस फोन से। डायनामिक रेंज बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड होता है, तो सेल्फीज बहुत ही अच्छे आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और नेचुरल कलर्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और यहाँ से दोस्तों आप काफ़ी अच्छे व्लॉगिंग भी कर सकते हो। फ्रंट कैमरा से जो वीडियो आउटपुट आता है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं एक मिडिल ग्राउंड के बारे में, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं था, वो था इसका बैटरी लाइफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और मुझे ऑन एन एवरेज 20% में जाके 6 hours का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, जो कि काफ़ी एक डिसेंट है, सैमसंग के फ्लैगशिप से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। बट अगर मैं शाओमी से कंपेयर करूँ देन थोड़ा सा कम लगता है। अगर ये 7 hours तक मुझे मिल जाता तो मुझे लगता है बेटर होता, क्योंकि शाओमी के सारे फ़ोन्स में 7-8 hours ईजिली निकल जाता है 20% में जाके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम मुझे लगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको 33 watt का चार्जर दिया गया, जिससे आप ऑन एन एवरेज 1 घंटा में फुल चार्ज कर दोगे फ़ोन को, जो कि बहुत ही डेफिनेटली फास्ट है, बट आज के स्टैंडर्ड में थोड़ा सा स्लो लगता है। आई थिंक शाओमी को आप 50 या फिर 60 वाट चार्जर को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए इस प्राइस रेंज में। अब फाइनली बात करते हैं उस पॉइंट को लेके जो कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस फ़ोन के बारे में, वो है इस फ़ोन का वेट। इट्स एक्चुअली रियली हैवी एंड फील्स अ बिट बल्की। मैंने एक्चुअली पोको X3 यूज़ किया है और आप सभी को पता है कि वो कितना ज़्यादा भारी स्मार्टफोन है, और ये मुझे उससे भी थोड़ा ज़्यादा भारी लगा था। तो ये फ़ोन मुझे लगता है कि और थोड़ा हल्का हो सकता था। अगर आपके हाथ छोटे हैं देन थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। मैं हैबिचुएटेड हो चुका हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, थोड़ा सा दोस्तों फ़ोन बल्कि है। और फाइनली दोस्तों, इस फ़ोन का कैमरा बम्प, इट्स रियली बिग, कवर से बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बाहर निकल आता है, और अगर आप इसको टेबल के ऊपर रखोगे देन आप लिटरली फील करोगे कि टेबल के ऊपर आप वॉबल कर सकते हो। तो अगर डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से कहूँ देन डेफिनेटली फ़ोन तो बहुत ही शानदार दिखता है, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है, बट अगर इस फ़ोन को थोड़ा सा वो लोग हल्का बना देते देन मुझे लगता है बेटर होता। ओवरऑल दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, 36K में मिलता है, तो अगर आप 36K में एक फास्ट रिफ्रेश रेट, हाई रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन चाहते हो, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है, अच्छी बैटरी लाइफ मिलने वाली है, 865 का चिपसेट चाहिए, देन ये फ़ोन आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वैसे व्यक्ति हो जो कि एमोलेड डिस्प्ले चाहते हो या फिर ऑक्सीजन एस वगैरह चाहते हो, देन ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। अब चॉइस आपका है दोस्तों, आप डिसीजन लीजिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करना ना भूले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड पीस।